अस्सलाम वालेकुम नाजीन आप देख रहे हैं नाइनटी टू एट एट विद सदिया नाजीन आज कल जहाँ मुल्क में मुख्तु सियासी जमातों की जानब से एहतजाज इस महीने में जो किया जाना है उनकी तारीख़ें अनाउंस हो चुकी हैं उसकी तैयारी की जा रही है वहीं पर वज़ी अजम साहब ने आज इसको लेकर अपनी खामोशी भी तोड़ी है और इन एहती तहारीक को ताबीर किया है इंतशार से और कहा है कि मुल्क की तरक्की को रोकने के लिए ये तमाम कुछ किया जा रहा है इस हवाले से हम बात करेंगे लेकिन आज प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में जिक्र होगा लोक वरसा का जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ख़बरों में गर्दिश कर रहा है और ख़बरें हैं डॉक्टर फौज़िया सईद के हवाले से जो कि लोक वरसा की एग्जीकटिव डायरेक्टर हैं लोक वर्सा के हवाले से अगर थोड़ी सी बात करते चलें कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फोक एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज जिसका क्याम उन्नीस में अमल में लाया गया और जिसका मैंडेट ये है क्याम के वक्त फिक्र और सोच ये थी कि पाकिस्तान की जो सकाफ़त है जो विरसा है उसको प्रिजर्व करना और ना सिर्फ उसको महफूज करना बल्कि उसको प्रमोट भी करना दुनिया तक वो पैगाम पहुंचाना भी इसके मैंडेट में शामिल था और सत्रह सितंबर 2002 को एक ऑर्डीनेंस के ज़रिए इससे एक ख़ुद मुख्तार अदारा जो है एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे दिया गया और ओवरऑल इंचार्ज जो है इस इदारे का वो एग्जिव डायरेक्टर होता है डॉक्टर साहिबा के हवाले से खबरें ये हैं मीडिया में कि शायद इन्होंने अपने इख्तियारत का नाजायज इस्तेमाल किया है अपने मनपसंद लोगों को लोक वर्सा के अंदर तैनात किया है कुछ ऐसी भर्तियाँ हुई हैं जिस पर इदारे के अपने मुलाजमी की तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है आ, हमने देखा है कि हाई कोर्ट में इस्लामाबाद कोर्ट में भी ये केस लेकर जाया गया है और एक और इशू भी आया कि जी जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन भी कम कर दी है डॉक्टर साहिबा ने तो इन तमाम खबरों में कितनी सदाकत है आज हम खुद डॉक्टर फौजिया सईद से पूछेंगे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमेकुम डॉक्टर साहब असल बहुत ज्यादा तनकीदी नस्तर जो है वो <laughs> इस वक्त आपकी जानब आ रहे हैं पहले तो ये बताइएगा कि इसमें सदाकत क्या है कि जब से आप एग्जेक्टिव डायरेक्टर के उहदे पर तैनात हैं तब से बहुत ज्यादा रेगुलर लोगों को आपने निकाला है और किसी वजह के बगैर निकाल दिया है ये तो अभी रिसेंटली खबरें आनी शुरू हुई हैं लोक वर्सा को जितनी अच्छी प्रेस मिली है मेरा ख्याल है पिछले डेढ़ साल में उतनी बहुत ही अरसे से नहीं मिली थी और शादी आपको ये भी मालूम है कि इदारा जो है वो ऑलमोस्ट मीठी नींद सो रहा था और पिछले दस साल से बहुत ही इसकी लो परफॉर्मेंस थी तो मुझे आ, शायद लगाया भी इसीलिए गया कि मेरा मेरिट था मैं आ, फोकलो की एक्सपर्ट एक तरह से मानी जा रही थी तो उस लिहाज से इदारे को मैं ये तीन साल डोनेट करने के लिए आई हूँ और उस पे भी किया गया <laughs> इदारे के, के से कि शायद आ, वो जो क्वालिफिकेशन थी वो उस पर पूरी नहीं उतरती थी लेकिन हाँ। फिर भी आपको लगा ये दिया भी गया। कहा कि मास्टर्स नहीं पीएचडी नहीं लेकिन मैं मतलब मैं इसको नेगेटिवली नहीं देख रही हूँ सारी चीज को इस वजह से इदारा जो है वो ऐसा है कि आप सूरज को डिनाई नहीं कर सकते वो बिल्कुल तरक्की कर रहा है और सब लोगों को मालूम है कि बहुत परफॉर्म कर रहा है ये चंद बातें मैं आपसे कहूँ कि जब तब्दीली आती है पाकिस्तान में एक तो वैसे ही अच्छा काम करना ज़रा मुश्किल है और मैं तो फिर कमर कस के आई हूँ कि मैंने तीन साल के लिए मेरा कॉन्ट्रैक्ट है तीन साल मैंने कहा मेरे घर वालों को भी कहा कि मैंने डोनेट किया है मैंने इदारे को वापस पटरी पर लेकर आना आई एम कमिटेड टू दैट तो यहाँ ये यह होता है कि अगर आप सिफ़ारिशें सुनना छोड़ दो या आप जो खाना पीना है उसकी सफ़ाई शुरू कर दो तो लोग ये नहीं कहते हैं कि हमें खाने दो लोग ये कहते हैं नहीं जी आपका तो नाक टेढ़ा है आपके तो बाल खराब है तो ये लगता तो है आपको कि आपके साथ क्लियरली है बहुत क्लियरली कोई बात नहीं है क्योंकि मुझे पहले बहुत फरमाइशें की गई लोगों ने मुझे आके कहा कि प्रमोशन दे अच्छा। आ, कुछ लोग जो बहुत नोटोरियस थे जिनमें से के बी साहब हैं जिन्होंने ये मोहम्मद इर्शाद साहब में इसी केस की जाने बाती हूँ क्योंकि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए भी हैं इनकी पिटिशन भी है और इन्होंने ये भी कहा है कि जी मुझे जो हायरिंग है वो असिस्टेंट एडमिन के तौर पर की गई और जब मुझे फारिग किया गया तो वो भी किसी शोकॉज के बगैर और उसमें लिखा कि जी द सर्विसेज ऑफ मिस्टर मोहम्मद इर्शाद डेली वेजर विल नो लॉन्ग बाई लोक ये असल में आ, ये सब जगह ये बात झूठ बोलते जा रहे हैं कि मैं परमानेंट था ये कॉन्ट्रैक्ट पर होता है लोक वर्सा का जिस तरह मोन्यूमेंट म्यूजियम है वो कॉन्ट्रैक्ट पर ही सब लोग रखे हुए हैं लोक वर्सा ने मेरा ख्याल है तीस पैंतीस के करीब कॉन्ट्रैक्ट पे लोग रखे हुए हैं अच्छा। मगर वो हैं जो सफाई करते हैं या जो अटेंडेंस हैं या सिक्योरिटी के हैं या इस तरह के ग्रेड्स के रखे हुए हैं तो उनमें इनका इनको फारिग करने की वजह क्या हुई? इनके फारिग करने की वजह थी कि इसके जो बॉस थे वो बार बार लिख रहे थे कि इसकी जरूरत नहीं है आ, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं होता यह है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनल साइन करती है आपको एक्सटेंड तब करते हैं या तो उसकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो या आपके इदारे की नींद बरकरार बर हो ठीक है ना वरना तो एक महीने के लिए मैं किसी एक्सपर्ट को हायर करती हूँ छोड़ देती हूँ अब ये थोड़ी है कि मैंने एक महीने के लिए हायर किया तो सारी जिंदगी मैं उसको हायर करूँ और जब भी छोड़ू तो जब इसकी सारी रिपोर्टें ऐसी आई तो मैंने कहा मैं खुद असेस करती हूँ जब मैंने खुद असेस किया तो पता चला कि सवाए हर एक को ब्लैकमेल करने के बहुत नोटोरियस बहुत नोटोरियस था तो मैंने कहा यह तो बिल्कुल तो वो अप्रिसिएशन लेटर भी एक दिखाया गया जो शायद पिछले एग्जेक्टिव डायरेक्टर नहीं ये मैं आपको तरफ से उन्हें दिया गया था वो तो कहते ने मेरा ने काम अच्छा था तो अप्रिसिएशन लेटर भी मिला मगर ये मुझे मेरे ही एडमिन ने मेरे ही स्टाफ ने जो सीनियर मैनेजमेंट उन्होंने मुझे कहा कि जी तीन दफ़ा इनको पिछले तीन मुख्तलिफ एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स निकालने की कोशिश करते रहे उन्होंने निकाला और उनको वापस लेना पड़ा क्योंकि पोलिटिकल प्रेशर इतना चाहे वो काम देखिए रेगुलर को तो मैं ऐसे भी नहीं छेड़ रही जो रेगुलर स्टाफ है उसको तो निकाला तो इधारे में से किसी को गया ही नहीं ठीक है ना ये जो लोग नहीं नहीं जो लोग कहते हैं ना हमें निकाला गया उसका मतलब यह होता है कि आपका एक डेली वेजर या आपका मंथली कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटेंड नहीं हुआ तो अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो वो तो एक्सटेंड नहीं होगा आप आप चाहे जितना भी शोर मचाएं देखो ना परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो ये मतलब तो नहीं कि आप अखबारों में जाएंगे तो आप परफॉर्म ना करें तो आपको वापस रख लें मगर पहले ऐसे होता रहा इंसाफ के साथ तीन बार ऐसे हुआ और मुझे मालूम है प्रेशर क्योंकि मुझे इनके साथ इनको पहले भी निकालने की कोशिश की गई कोशिश नहीं निकाला गया जी निकाला गया उसको निकाला ही आप कह लो उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं किया गया और

तो अच्छा बस एक एक और ये चीज़ इस पे भी बात करते हैं कि जी ये चार लोगों के नाम आ रहे हैं और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि एक साल के अंदर अंदर इनकी तनख्वाहें जो हैं वो डबल की गई हाँ। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं जिसमें राबिया अमीन एक हैं ख़ातून फिर मिस्टर मकबूल अहमद हैं और इसके अलावा फिर मिस्टर जैन महमूद हैं और चौथे हैं मिस्टर यासिर नुमान इन चार लोगों के हवाले से अब मैं दोनों बातों का इसका जवाब दूंगी एक तो ये कि इनकी सैलरीज इंक्रीज नहीं हुई ये सैलरी नहीं होते ये असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एक डिज़ाइन जैसे राबिया बहुत ही टैलेंटेड डिजाइनर हैं और आपने उनका नाम लिया तो मैं साथ ये भी कहूंगी जितने लोगों को हमारे इन्विटेशन कार्ड्स आते हैं उनको पता होता है कि वो बहुत टैलेंटेड है वो होता है कि जैसे मेला हुआ ना हमारा तो मेले में ये दिन रात काम करते हैं अब ये डिजाइनर जो है इन्होंने सिर्फ कार्ड्स डिज़ाइन नहीं कार्डाइनिंग पूरा मेला ऑर्गेनाइज किया तो उस चंक के लिए इनकी जो असाइनमेंट की जो तनख्वाह होगी वो ज्यादा होगी और जो नॉर्मल डेज में है वो कम होगी इन लोगों ने वो जो मेले के दिन जिस जिस को जितने पैसे मिले वो लेके और घुमाते फिर रहे हैं तो नहीं बढ़ रही नहीं।, नहीं बिल्कुल नहीं होती ये तो असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं भाई आपसे मैंने चार चीजें करवाई तो आपको कुछ पैसे मिलेंगे आठ करवाई तो हुँ कुछ हुँ तो पैसे अभी ये मकबूल जो है मैं आपको इसकी बता देती हूँ थर्टी थ्री थाउजेंड अ मंथ है और मुझे हंसी आती है सुन के कि ये स्कैंडल है

और हमारी तीस से जायद सीनियर और मिड लेवल पोजिशन जो है वो खाली पड़ी हुई है ठीक है ठीक है और उसके बाद अभी भी मुझे हायरिंग की इजाजत नहीं है अभी भी मुझे हायरिंग की इजाज़त नहीं तो मैं तो जो लोग रख रही हूँ वो तो बहुत ही शॉर्ट टर्म रख रही हूँ तो से है वो उस तरह मगर से आप... उसके मैं जो एक और पॉइंट कहना चाहती हूँ वो होता यह है कि जब आप मूव ओवर कर करके सारी उम्र ग्रेड चढ़ते जाए ना और आपकी रेलिवेंट डिग्रीज ना हो मास्टर्स का भी नाम नाजु शादी जी सुनने को नहीं इतना मिलता तो जब आप कॉम्पिटेंट लोग लेकर आते हो ना तो फिर लोग घबराने लगते हैं अच्छा तो ये, ये हो रहा है इस केस में आपको लगता है एक और चीज़ आखिरी चीज, हाँ, चीज क्यों क्योंकि ये रह जाएगी आपने कहा कि बेसिक नुकता या बेसिक एतराज ये है कि इस इदारे ने इतने बरस काम नहीं किया और अब काम होने लगा है कॉम्पिटेंट लोग आ रहे हैं तो उस पर उन्हें ऐतराज हो रहा है एक लोगों को ऐतराज है बाकी बाकी अच्छा ये पेंशन कम करने के हवाले से ये वाकई दुरुस्त बात है क्योंकि पेंशन का भी मुझे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि पेंशन का फंड सब खापी के खत्म हो गया ठीक है अच्छा। मैं जब आई हूँ तो साठ लाख में था पेंशन का अब खापी से आप कुछ गलत मतलब नहीं लीजिए लेकिन जो भी है इट वाज अ बैड प्लान या जिस तरह भी मैनेज हुआ वो ऐसा था कि जब मैं आई हूँ तो साठ लाख वो कर्जे में था पेंशन का फंड तो आपको देखो ना फिर आपको खाई से उठाना पड़ता है तो पता यह चला इन्वेस्टिगेशन पे कि इन्होंने खुद ही खुद अपने आप को रेजेस देते गए और बोर्ड से नहीं पूछा एट हंड्रेड तक एट हंड्रेड परसेंट रेजेस देते रहे जिसकी तीन हजार रुपए सैलरी थी वो तकरीबन उससे पांच गुना ज्यादा पेंशन ले रहा है इस वक्त पच्चीस हजार रुपए पेंशन ले रहा है जबकि उसकी तनख्वाह आखिरी जो है वो आठ हज़ार के करीब इस तरह से अच्छा तो उस लिहाज से आप कह रही है एक चीज लोक वर्सा जो आप चला रही हैं जिसके आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं उसको मिलियंस का लॉस हो रहा है और उसके हवाले से जो खबरें हैं जो अखबार में आज भी शाया हुई कल भी हुई कॉस्मोस प्रोडक्शन के हवाले से और इन्हीं का जो एन आई सी एस है ये जो इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चरल स्टडीज के उन्होंने शायद लोक के आ, पैसे देने हैं और वो नहीं दिए फाइव कैनाल लैंड तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इस पर खामोशी है कि लोक अगर खसारे में जा रहा है तो जाता ये दो हजार चार से खामोशी है वैसे मिनिस्ट्री ने इंक्वायरीज बहुत की हैं ये पी में भी इशू गया हुआ है जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसमें भी अभी एक्शन नहीं हुआ मिनिस्ट्री के पास भी गया हुआ है इसमें ये बात ठीक है कि एक करोड़ से ज्यादा पैसे देने हैं कॉस्मॉस ने और वहाँ पर भी थोड़ा असर रसूख है तो किसका असर रसूख है अब इस पर मैं इतना ज़्यादा खुल के बात नहीं करना चाहती लेकिन मेरा ख्याल कि लोगों को मालूम है आ, 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 आप आप ये देखिए कि पैसे मांगने ज़रा मुश्किल हो गए मुहाल हो गए तो उसमें होता क्या है इसमें जहाँ भी आप देखो ना चाहे वो जॉब्स हों चाहे वो इस तरह से लाइबिलिटी आप मांगो या आप क्वेश्चन करो कॉन्ट्रैक्ट जो हैं हमारे हुए हुए पुराने उस पर हमारी मिनिस्ट्री ने बिल्कुल बाकायदा तौर पर इंक्वायरी एक साल लंबी करा के कह दिया हुआ है कि वो ठीक नहीं हुए थे okay. वो कॉन्ट्रैक्ट ठीक नहीं थे आ, उस पर एक्शन अगर आ, होने लगेगा भी तो इसी तरह का रिएक्शन मेरा ख्याल ठीक है राइट मगर मगर मैं सादिया ये कहूंगी कि जितना लोगों का सपोर्ट है ना और जितना लोग ताली बजा रहे हैं मेरे लिए मुझे बिलीव में ये, ये जो है खबरें करें। करें है, हैं करें। बहुत 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 है या जो तनकीद हो रही है मीडिया में आजकल उन पर अखबारों में लिखा जा रहा है वो क्यों हो रहा है हमने चाहा कि उन्हीं से इसका जवाब लें बड़ी तफसील से उन्होंने इसका जवाब दिया और ये भी कहा कि लोक वरसा के हवाले से जो खसारे की हमने बात की है वहां से क्या प्रेशर है उसको भी आने वाले प्रोग्राम्स में कहीं पर इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक ले लें और ब्रेक से वापस आएंगे तो मुल्क में सियासत में जो एहतजाज का अंसर शामिल हो रहा है उस पर बात होगी एक वक्फे के बाद जी वेलकम बैक प्रोग्राम के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर से एहतजाज का अंसर शामिल होने जा रहा है और वजी अजम ने इस पर अपनी खामोशी तोड़ी है और यह कहा है कि जो तहारीख चल रही है एहतजाज के नाम पर यह इंतशार फैलाने के लिए की जा रही है इसी हवाले से बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि जो मुनकसिम अपोजिशन है इनकी जानब से मरहला वार एहतजाज की तहारीख किस हद तक कामयाब हो पाएंगी इस पर गुफ्तू करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी साहब

इस वक्त फ़ज़ा है लोग कहते हैं कि अगला इलेक्शन भी मुस्लिम लीग नून का है मैं जो मेरी सियासी ज़िंदगी में मैं सत्रह साल का था भुट्टो साहब मेरे कंधे पे खड़े होकर खिताब करते थे स्टूडेंट से और पचास साल से इसी काम में हैं। इसको बाहर तो कोई ऐसा थ्रेट और नहीं है लेकिन आ, इस भुटो साहब का सत्तर में आ, लाड़काना में हमारा पास कैंडिडेट ही नहीं था जहाँ मोहम्मद अब्बासी थे वो नवाब शाह से थे भुटो साहब जैनली बिला मुकाबला मंतखब हो गए थे ठीक, लेकिन फिर तमाम वजीर आला ने कहा हम भी बिला मुकाबला मंतखब होते हैं तो ये जो एक जहरी सूरत होती है ना उसको एक तरफ रखते हैं आ, कोई भी मामला ख़राब हो सकते हैं ये पहली जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून की क्यादत की है कि वो इन तमाम मामला को देखें और डेढ़ देख साल रह गया इलेक्शन का इसको सही तरीके से सबसे बड़ी तो वो, वो जिम्मेदारी सबसे नहीं बड़ी कामयाबी ये होगी किसी की भी कि वो पाँच साल पूरा करे मैंने ये नहीं कह रहा मैं तो आपको एक मुझे आपने कहा है तो मैं जहाँ तक तहरीकों तक का ताल्लुक है यहाँ हमारे मुल्क में ये तहरीकें तो एक एटमासफियर क्रिएट कर देती है, कि कि को कोई आके वो चेंज कर दे जो रिजल्ट्स बाद में होते हैं वो इन तहरीकों के किस्मत में कभी होते भी नहीं कभी उनके हुए भी नहीं तो उसमें कोई और आके फायदा उठाता है वो और कौन होता है खा अमरीका आखिरी फैसले फिर वो करते हैं तो इन तहरीकों से मसाइल हल नहीं होते लेकिन तहरीकें उनके मुतालबात कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक करना उसके लिए कोई ना कोई उनके मकासद तो मुतन हो अगर सिर्फ एक आदमी को निकालना है नवाज शरीफ को निकाल देंगे तो फिर इंतबात बदल जाएंगे हम भी आ जाएंगे वो भी आ जाएंगे ये तरीका ये नहीं है नहीं, इस इसलिए ना मकासद हैं ना है। वो ज़ोर शोर है आगे आ, मैंने पहले भी बता दिया चाहते हैं, वजीर आजम साहब जो है पैनामा लीग के बाद जवाब दे है अगर वाकई में जवाब हासिल कर लिया जाता है फिर तो चले एक और बात है कि तहरीक की कामयाबी का तयन उससे हो जाएगा अगर वही सूरत हाल होती है जो दो हजार चौदह में थी कि वजी आजम का इस्तीफा मांगते रहे और इस्तीफा फिर नहीं मिला तो फिर इस तहरीक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कहीं सियासत को ना नुकसान पहुंच जाए बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम सादिया सबसे पहले तो आ, मैं हाशमी साहब की एक बात का अदबन इख्तलाफ करना चाहूँगा क्योंकि ज़ाती वास्ता भी ख़ानदान का वास्ता भी और सियासी तौर पर भी बड़े हैं उम्र में भी बड़े हैं ये परसेप्शन जो फरमाई हाशमी साहब ने कि नून लीग दोबारा इलेक्शन जीत जाएगी इससे बहुत सारे लोग इतफ़ाक़ नहीं करते अगर अगर इलेक्शन सही तरह होता है तो ये परसेप्शन तो बनाई गई थी 2013 में और आज भी बनाई जा रही और उसके बाद जो पीपल्स पार्टी ने दो ढाई साल जमूरीत का उन्होंने कहा हम जमहूरीत का साथ दे रहे हैं आप देख लें कि पीपल्स पार्टी के साथ पंजाब में उस जमूरीत का साथ देने की वजह से क्या हुई अगर लोग मुस्लिम लीग नून से इतनी मोहब्बत सारे के सारे करते होते तो फिर आज पीपल्स पार्टी पंजाब में भी उसी तरह खड़ी होती जिस तरह 2013 में खड़ी थी अलहमदल उन्होंने अब यह फ़ैसला कर लिया है कि उन्होंने अपोजिशन करनी है मैं दो दिन इस्लामाबाद में था कुछ पीपल्स पार्टी के सीनियर दोस्तों से मुलाकात हुई और उन्होंने ये कहा कि हम बिल्कुल दिल से अब अपोजिशन

मेरा एक अदब का रिश्ता है उनके साथ मैंने अदब से बात करनी है बात करनी है मेरा गुजारिश ये है कि मुझे आप ये बताएं कि किसान इस वक्त क्या हाल है उसका पैनामा लीक्स को आए हुए तीन महीने हो गए हैं अब मैं कोई पीपल्स पार्टी की साइड नहीं ले रहा या किसी और की नहीं ले रहा यही किसी वजीर के साथ और मैं पंजाब में रहता हूँ पंजाबी हूँ अगर यही किसी ऐसे वज़ी अजम पे लगे होते इल्ज़ाम जो नॉन पंजाबी होता या नॉन मुस्लिम लीगी होता तो आप हालत देखते अब तक क्या होती कुछ नहीं हो रहा पता नहीं क्या 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 होने जा रहा है गुजारिश ये है कि ये खुदा के वास्ते सूबे सारे के सारे लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या बाकी सूबों का क्या कसूर है कि अगर वहाँ का वज़ी अज़म हो तो उसको लटका दिया जाता है बल्कि पंजाब का भी हो अगर एसोसिएटेड किसी उस पार्टी से हो जो पार्टी बुनियादी तौर पर पंजाब से नहीं पनपी या जियाल हक की छतरछाओं के नीचे से नहीं पनपी तो उसको लटका दिया जाता है अब स्टैंडिंग यूसुफ रजा गिलानी साहब जब एक सेकंड में उस बंदे ने उड़ा के रख दिया बिलाव जाके अब मेरी गुजारिश आपसे okay. ये होगी चले ये ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात मे, है मेरी गुजारिश ये है कि पाना लीक के लिए लीक पे हमें वापस नहीं जाना है उन्होंने वज़र अजम साहब ने इसम्बली में तकरीर में आके कहा है कि मेरे बच्चों का मामला है अगर वो पाक हैं तो टी ओ आर अपने आप को पेश करें इतना मामला है ठीक है इतना मामला है जो शायद पी एम एल एन को समझ में, में, में कहते हैं बुखारी साहब से एक बात आपने मेरी बात आप तो मेरे हर हिसाब से मेरे दिल में प्यार है आपके लिए मोहब्बत है मेरा प्रसपन आपने सुना ही नहीं मैंने कहा कि कोई बना भी रहा हो इसके हकीकत खत्म हो जाती है हुँ. उनको

जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश पीर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि लतीफ़ खोसा साहब ने भी कहा इलेक्शन कमीशन में कि हमारा वजीर आजम नाहल हो सकता है तो फिर मुस्लिम लीग नून का क्यों नहीं हो सकता यही शिकवे शिकायत हम पहले भी सुनते आए हैं रियासती इदारों के हवाले से भी बात करें चाहे एफ बी आर का जिक्र कर लें नैप का जिक्र कर लें इलेक्शन कमीशन की बात कर लें तो बहुत सारे एतराज हैं इस पर आपको लगता है कि क्या हासिल हो जाएगा इस तहरीक से पी टी आई की हो या फिर उसमें पीपल्स पार्टी बाद में अपनी अलग से तहरीक शामिल करे के अहदाफ हासिल हो जाएंगे जो इस वक्त ऑब्जेक्टिव जिंग बात की जा रही है पहले तो जो आपने बहुत अच्छी बात की कि वो बुखारी साहब तो उसकी पहले ही निशानदेही कर चुके हैं मोहतरमा बेनजी भुट्टो शहीद ने तो बहुत पहले कहा था कि ये लाड़काना और लाहौर का फ़र्क इन जजमेंट से पता पड़ जाता है वो चौधरी इफ्तार साहब अगर होते तो ये और इनको दस साल के लिए कर देते हम हम तो बेचारे वो सराय की इलाके से था यूसुफ रज़ा गीलानी तो उनको तो सिर्फ छोटी बात पे उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को फारिग कर दिया और हाँ, वो चले गए न उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमने हमला किया ना हमने वहाँ जाके झगड़ा फसाद कोई जजों के ऊपर कुछ किया चुप करके और खामोशी से चले गए ताकि जमहूरियत चलती रहे पार्टी का प्राइम मिनिस्टर एक गया दूसरा आ गया लेकिन अभी जो है ना इस वक्त तो भाई वो मुगलिया ख़ानदान वाले बैठे हुए हैं वो जो चाहेंगे वही होगा अब ये तो सबको सोचना चाहिए ना कि ये फ़र्क क्यों है कि एक प्राइम मिनिस्टर को आपने जो ड्यूली इलेक्टेड था उसको आपने छोटी सी बात पे फारग कर दिया और यहाँ ये जो कुछ हो रहा है किसी ने कोई न मोटो नोटिस लिया किसी ने ये जो कह रहे थे ना अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर होता तो इस वक्त तक तो उस बेचारे का कचूबर भी निकाल देते लेकिन ये बड़ी तो फिर ये जो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में गए हैं है। चार चले गए आप, आप, पीपल्स पार्टी का चला गया पैट का पीटीआई का अवामी मुस्लिम लीग का भी एक तो खैर वो दरखास्त वैसे मुस्तरद कर दी पैट वालों की कि सानिया मॉडल टाउन पे वजीर अजम को नाहल किया जाए तो फिर इसका नतीजा भी सिफर बटा सिफर मुझे तो कोई खास उम्मीद नजर नहीं आती एक तो हमारा इलेक्शन कमीशन इतना पावरफुल नहीं है जो होना चाहिए जो जैसे दूसरे मुल्कों में है और दूसरी बात यह कि अदलिया को नोटिस लेना चाहिए ना अब ये इतना बड़ा पहले तो इतने सू मोटो नोटिस निकले थे, निकलते थे अभी तो एक भी नहीं एक दो आध निकला है लेकिन वो भी ऐसी गहन हुआ ये इतना बड़ा पानामा लीक्स का इशू है आ, और ये सारी दुनिया में इंटरनेशनली है ये भी नहीं है कि कोई आ, हमारी किसी गवर्नमेंट ने कोई बना के झूठा कोई रेफरेंस भेज दिया हो ये तो एक इंटरनेशनल आ, सिनारियों पे इतने मुल्क हैं में कुछ मुल्कों तो खैरतमंद वजरा आजम ने तो इस्तीफ़ा भी दे दिए और कहा कि नहीं हम हम उनके जिन्होंने नहीं दिए उनको हटा दिया गया और ये हमें जो इन ऑल फेयरनेस इनकी पार्टी है इनके पास मेजॉरिटी भी है अगर इतना बड़ा धब्बा लगा मैं, है तो मैं इसी को आगे बढ़ाती, बढ़ाती हूँ जरा जावेद साहब से इस पर उनका मौकफ भी लेते हैं बड़े अरसे से जो आपने सियासत देखी है जो साहब की बात है पीर हक साहब की बात है और आवाम में भी किसी ना किसी सूरत ये तर पाया जाता है कि शायद ये जो लोग हैं इस वक्त हुकूमत में ये अनटचेबल्स हैं कि ये जब भी आते हैं तो रियासती इदारे भी खामोश हो जाते हैं और जिस तरह इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन भी लगता नहीं है कि इस पर कुछ करेगा अदलिया की बात की कि उस पर सुमोटो नोटिस होना चाहिए वो कहते हैं कि उस पर भी कोई नोटिस नहीं लिया गया देखिये बदकिसमती ये है कि हमारे तमाम सियासतदानों ने नवाज शरीफ साहब कभी असम्बली में कभी कभी आते हैं शहबाज शरीफ साहब भी नहीं आते एक और लीडर हमने तलाश किया था इमरान ख़ान साहब ये वो वो भी नहीं आते बीस गुना आगे वो इतना का दिल करता है क्या इलेक्ट कर लें ये अदारे फिर ये कौन होते हैं तो इसलिए तमाम जो शमशान मेरे अजीज़ हैं मेरे भाई हैं और अच्छी बात करते हैं मदर शाह साहब भी उनसे भी एक दिल का रिश्ता है बातें तो सारी यही हैं कि अगर हम अपनी पॉलिटिक्स को अदारों के मातात नहीं करेंगे हमें से हर कोई अपने आप को समझेगा कि मैं अबव हूँ मुझसे कोई पूछे ना मुझसे बात ना करे अच्छा मेरी तो सारी ज़िंदगी की, की लड़ाई यही है जो मैं अर्ज कर रहा हूँ उसमें मुस्लिम लीग ने अगर एहतियात ना की और ये डेढ़ साल है सारा इस डेढ़ साल में अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो फिर मुल्क दस दस साल बीस बीस साल वैसे है। आपको लग रहा है इस मुल्क में खतरा जो नहीं भी होते थे तो जो उभर के आ जाते थे उनको मैं एक मिनट में आपको बताऊ ना अयूब खान की जरूरत ही नहीं थी सियासतदानों के इतने झगड़े हुए फिर भी उसका हक नहीं था किसी दुनिया में कोई और ना आता यहाँ एक जो आर्गन है उसके पास ताकत ज़्यादा थी वो आ गया क्या क्या, क्या मुल्क तो, तोड़ दिया फिर साहब आ गए उनके आने का कोई दे ये कहते हैं आना चाहता था जनरल से चीज चीज से पूछें जिंदा बैठे आर जनरल आरिफ से पूछे नहीं वो आना नहीं चाहता था लेकिन दिल और सब झगड़े चल रहे थे वो आ गया परवेज मुशरफ को भी मौाक़ मिल गए मैं ये कह रहा हूँ जो इकदार में हैं या अपोजिशन में हैं अब ये दोनों की जिम्मेदारी है ये डेढ़ साल किसी तरीके से पूरा करा दें और उसमें कुछ न कुछ अगर नुकसान भी हो वो भी बर्दाश्त करें तो अगर फिर इलेक्शन होंगे ज़रूरी नहीं है मुस्लिम लीग नून जीतेगी ठीक है है इसके लिए हमें सियासतदानों को थोड़ी कंसेशन देनी पड़ेगी लेकिन अगर हमने लड़ना ही सियासतदानों से है और एक दूसरे को हमने कहना है कि इसको मैं उड़वा दूँ वो उसको उड़वा दे तो फिर मुल्क के मामला ठीक okay. नहीं चलेगी ये मैं इस बुनियाद पर मैं ये जो कंसेशन की बात की ना जरा शमसान बुखारी साहब जरा इस पे आइएगा कि सियासतदानों से ही लड़ते रहे और फिर ये मवाके जो जावेद हाशमी साहब कहते हैं कि माजी में भी पैदा किए जाते रहे कि अगर किसी ने नहीं भी आना तो भी वो मजबूर हो जाता है आने को तो इस बार चले वो कहते हैं कि हुक्मरान तो भी भी और फौज नहीं नहीं सकती भी। इस आ भी नहीं सकती इस वक्त आ सकती। नहीं। लेकिन वो मवा वो माहौल जो है वो कहते हैं दोनों की जिम्मेदारी भी और अपोजिशन की भी कि वो ना पैदा किए जाए कोई जमहूरी ताकत कोई जमहूरियत की सोच रखने वाली पार्टी ये नहीं चाहेगी कि कोई चीज ऐसी हो जो आयन के दायरा कार से बाहर हो बशमूल फ़ौज का इस तरह आना जिस तरह आती रही है पीछे कोई नहीं चाहेगी लेकिन तीन चार चीज़ें हैं मुझे इसका जवाब दे दें पी एम एल एन का तो कोई है नहीं मखदूम साहब सीनियर सियासतदान है मगर उनसे यह सवाल पूछना बनता नहीं मैं तो वैसे भी अदबन नहीं पूछ सकता लेकिन लेकिन बहर उनसे डायरेक्टली बनता भी नहीं मुझे यह बताएं कि जो गुफ्तु अमरीका में वजीर अजम साहब की और आ, अमेरिकन सदर की हुई जिसका हमारी सारी स्टैब्लिशमेंट को पता है वो अगर कोई और वजीर अज़म करता तो क्या बनता उसके बाद मुझे आप ये बताएं कि ये जो मामला यहाँ पे चला नैब का और नैब के बारे में पंजाब के वजरा ने वज़र अजम साहब ने वज़ी अला साहब ने जिस तरह नैब को थ्रेट किया ये कोई और सूबा करता तो क्या बनता तीसरी अर्ज में आपसे ये करना चाहता हूँ कि इस दौरान में इस दौरान में जब इनके अपने मामलों दुरुस्त नहीं हैं क्लियर नहीं है कल मैं एक हैरानी की खबर पढ़ रहा था कि ज़र मुबादला के जखायर इतने बढ़ गए ज़र मुबादला के केखा सिर्फ दो चीज़ों से बनते हैं रेमिटेंस और एक्सपोर्ट आप अभी पेपर्स देख लें अपने कि एक्सपोर्ट कम हो गई रेमिटेंस कम हो गई इनकी पॉलिसीज़ की वजह से और वो कैसे बड़े मकसद भी है एक्सपोर्ट का और रिमिटेंस का रिकॉर्ड निकाल लें और ये देख लें कि बोरोइंग जो है बोरिंग कहां से की है अंदर से और उससे और कल को जब ये गरीब मुल्क वो पैसे वापस करेगा तो कैसे वापस करेगा कोई हुकूमत की रेट नहीं है हुकूमत में लाहौर में बैठ के आठ सौ से ज़्यादा बचा अगवा हो चुका है और हालात दूसरे सूबों के ख़राब हैं इधर कोई चीज़ ऐसी नहीं है बात यह है कि अगर हम जमूरीत को डी रेल करना नहीं चाहते और बिल्कुल मैं आपको ये बात ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि हम किसी इंडिविजुअल के वो वज़र अजम साहब हों या वज़ी अला साहब हों किसी के ख़िलाफ़ नहीं है मगर अगर ये जमूरियत नहीं है अवाम के हकूक़ की आवाज़ उठाना अवाम के पैसे का हिसाब मांगना अवाम का ये हक नहीं है बनेगी और मुझे आप ये बताएं कि हम कौन इससे अगर ये जमुरियत नहीं है अगर हमने चुप करके इनकी बातों पर आमीन करनी है ना सड़कों पर जाना है तो फिर अपोजिशन किस बात भी है? हम भी हकूमत में शामिल हो जाते हैं चलें सही शमसान बुखारी साहब का भी पॉइंट आ गया वो कहते हैं कि अगर इन पर बात ही नहीं करनी अपोजिशन ही नहीं करनी तो फिर हुकूमत में तमाम जमातें शामिल हो जाती हैं और ये जो बात की जा रही है कि जो कोई भी रियासती इदारा जो है वो इनके हवाले से कोई कार्रवाई नहीं करता कोई इनके खिलाफ इकदाम नहीं उठाता नैप के हवाले से उन्होंने कहा कि धमकियाँ दीं वज़ी अजम साहब ने या वज़ी अला साहब ने इन तमाम चीज़ों पर भी ज़रा मजीद बात करते हैं एक मुख्तर सा वकफ़ा और ब्रेक से वापस आकर गुफ्तु को आगे बढ़ाएंगे बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। पीर साहब एक और सवाल आपके सामने में रखना चाहूँगी कि जो तहरीक है चाहे पीपल्स पार्टी शुरू करे सितंबर में या जब मर्जी अलहदा से जो पी टी आई की है जो पैट की है जो आवामी मुस्लिम लीग की है उन सब के ऑब्जेक्टिव जो हैं अगर वो भी मान लिए जाएँ कि सही हैं एहत सबका होना चाहिए डिमांड्स भी सही मान ली जाए बट फर्ज करें अगर ये तहरीकें वो अहदाफ हासिल नहीं करती या वजीम के एहतसाब तक का एक एक जो मकसद लेकर चल रही हैं वो पूरा नहीं होता तो जाए, वही हाशमी साहब ने जिस तरीके से बात की थी कि अब साल डेढ़ साल रह गया प्रैक्टिकली अगर उस तरह देखा जाए तो आवामी रबते होने चाहिए इलेक्शन कैंपेन होनी चाहिए तो फिर इन सियासी जमातों की सियासत दो हजार अठारह के अंदर इंतबात के अंदर उसका क्या बनेगा देखिये मैं, मैं तौर पर हाशमी साहब से मुतफिक हूँ क्योंकि टाइम वाकई बहुत कम है और अभी हमारी पोलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनको अपने तंजीमी अमूर की तरफ भी जाना चाहिए क्योंकि जब तक पार्टियों का ग्रास रूट तंजीम नहीं होगी हम इलेक्शन काय की लड़ेंगे कैसे लड़ेंगे हमें हमें तो ये सारा इलेक्शन में जो फ़ायदा होता है ख़ासतौर में तो अपनी पीपल्स पार्टी बात करूँगा हमारा ग्रास रूट लेवल से होता है अभी हमारी तंजीमें अभी डिजॉल्व हो गई हैं अभी नई बननी है मेंबरशिप हमें अभी करनी चाहिए थी वो मेंबरशिप नहीं हुई है मेंबरशिप हम सारी पा पार्ड, पोलिटिकल पार्टीज़ को करके अभी नौजवान तबका ज़्यादा है सिक्सटी परसेंट से ज़्यादा तो यूथ आ गया ये तो नौजवानों को हम मेंबर बनाएं फिर उनको ग्रास रूट से उनको पार्टी के तंजीम साजी में इन्वॉल्व करें उसके बाद तो टाइम कितना बचा है अब हम बैठ के तहरीकों में पढ़ेंगे तो ये मेरे ख्याल में प्रेशर टेक्टिक्स हैं और ये पी को भी ये खबर है कि और ये अगर उनको हम धचका देंगे तो वो तो शायद गिरेंगे लेकिन मेरे ख्याल सबको ले डूबेंगे बेहतर यही है कि हम सबको अच्छा। चाहिए कि मिल बैठ के मियाँ नवाज शरीफ को भी होश के नाखू लेने चाहिए अब वो भी तीसरी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बने आखिर आखिरत अपनी क्यों खराब करते हैं उनको भी चाहिए कि सबको साथ लेके चले तो ये भी हो सकता है ना तो में तो लग रहे तहरीकों में लग रहे, है। रहे हैं इन्हें लगा रहने दें और अपनी तरफ से जो बुखारी साहब मैं अदबन अर्ज करता हूँ पीर मदर साहब से मेरे दोस्त हैं जरा अपनी पंजाब पार्टी से मशवरा कर रहे हैं वो क्या चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं अच्छा, कि थोड़ा है। सा डिविजन नजर आता ने, है, ने, वाले कुछ और चाह रहे हैं यार शमशान बुखारी साहब तो नाराज भी इसी वजह से हो गए कि हमने नवाज शरीफ से कोई कुछ उसके खिलाफ नहीं किया तो ये इनका प्रॉब्लम तो वाकई है लेकिन हमें तो पूरे ओवरऑल अपने क्या चाह रही है पंजाब पार्टी आपकी क्या चाह रही है वो ये चाह रही है कि वो तहरीक चलाए और उसको उतार चाह रहे हैं बिल्कुल हम हम भी हम भी आपके साथ तो आपने खुद ही कह दिया कि तो मतलब <laughs> तो यही, यही बात है कि हटाना पार्टी पार्टी मकसद नहीं भी देखे भी देखे मूड में है हमारा जी अच्छा फरमाइए शायद आप ये बताए कि आप चाहती है कि कोई बेलाक तजिया किया जाए कोई बेलाग तबसरा किया जाए मैं तो उस तरफ उस तरह तरीके से बात कर रहा हूं पॉलिटिक्स तो यह कह, जी कह जी रही है कि हमारी पार्टी ने यह फैसला कर लिया है कि तहरीक चलाएंगे तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर नवाज शरीफ को हटा देंगे चले हटाने की जरूरत हाँ क्या तो करेंगे तो जिस तरीके से अगर अहदाफ पूरे नहीं होते जो सम, पीर साहब ने भी ये बात की है तो फिर प्रैक्टिकली अगर उस तरह देखा जाए मतलब पांचवा बजट जो है वो अगले साल आ जाएगा उसके बाद किसी भी टाइम इलेक्शन कॉल कर सकती है तो फिर ये जो जमाते बाकी हैं चाहे पीटीआई है पीपल्स पार्टी है उनको कहीं पे नुकसान पहुंचता देख रहे हैं आप देखिए मैं जहाँ तक इस मुल्क का मैंने कहा कर, कि सेट पैटर्न ये नहीं है कि आज मुस्लिम लीग है जितनी ताकत में एक साल बाद भी होगी ये सेट पैटर्न नहीं है मुल्क की सियासत में नहीं, नहीं। है लेकिन ये हकीकत में जानता हूँ कि तहरीक इंसाफ जो है उनका अंदर तक जानता हूँ मैं वैध प्रेजिडेंडेंट रहा हूँ ना मुझसे कोई पहले प्रेजिडेंट था न बाद में मैं पूरा उसको हमने पार्टी को चलाया भी है वहाँ पे भी तैयारी कोई नहीं है तैयारी है सिर्फ आ, आ, हम तहरीक चलाएं बातें करें लोगों को मतव्य करें और कोई आके रस्ते में हमें आके इकतदार दे दे ये शमशान बुखारी साहब जो हैं ये तो प्रोसेस में बिलीव करते हैं कॉन्स्टिटेंसी है बैकग्राउंड है, बैक है हारना है जीतना जी। जी। है यही फिर मज़र साहब का है लेकिन मैं यही आर्ज कर रहा हूँ कि पार्टियों ने सारे बरसे बरसरे इकतदार हैं पी टी आई वो यहाँ पे के, के पी के, के में है पीर साहब की पार्टी सिंध में।, में है यहाँ पंजाब में ये बैठे हुए हैं लोगों ने को डिलीवर जो नहीं कर सका अब वो तकरीरों से नहीं बने डिलीवर करेगा वो इसमें सिर्फ ये सूरत पैदा हो सकती है कि कोई ऐसी इस पूरे निज़ाम को लपेटने वाली बात ये मैं नहीं कहता कि लपेटा जाएगा यार ये चाहते होंगे कोई पार्टी नहीं चाहती कोई सासतदान नहीं चाहता हम कंफ्यूज करने की बजाय डिलीवर करें वहाँ करें शाह साहब वहाँ करें ये यहाँ करें इन लेकिन लोग फिर इसके बावजूद अच्छे लोगों को मौका ज़रूर देंगे सही बहुत माजरत के साथ समसाम बुखारी साहब अगर आखिरी जुमला कहना चाहें तो सर आखिरी में सिर्फ आखिरी में सिर्फ ये कहूँगा कि जहाँ पे हम सबकी मदद करें डिलीवर करें वहाँ सारे मिलके को ये काम जरूर करें कि ये करप्शन का एहतिया जरूर हो जाए कोई भी करे ठीक है बहुत शुक्रिया समसाम बुखारी साहब पीर मजहर हक साहब जावेद हाशमी साहब बहुत शुक्रिया तीनों की तशरीफ आवरी का पाकिस्तान की सियासत हमेशा से बड़ी अनप्रडिक्टेबल रही है लेकिन उस सारी अनप्रडिक्टबिलिटी में दुआ यही है कि जी पाकिस्तान के लिए आने वाले हालात जो हैं वो इंतहाई अच्छे हों खुशगवार हों और जो समसाम साहब ने कहा कि एहतसाब का जो नारा है तो ये ज़रूर जो है वो हमें मनतकी अंजाम तक पहुँचते हुए नजर आए ये भी दुआ इजाज़त दीजिए खुदाफ़